Hello to everyone. Now students, in continuity with the previous numerical problem related with the refraction of light, now we have the some typical problem related with the numericals. तो देखिए आपके पास क्या है, an object placed on a meter scale at 8 centimeter mark was focused on a white screen placed at 92 centimeter mark using a converging lens placed on the scale at 50 centimeter mark. ये जो आपको बेसिकली ये जो मार्क दिए गए हैं ये हमारे पास होते हैं ऑप्टिकल बेंच के होते हैं, जो एक स्केलिंग होती है पर्टिकुलर 100 सेंटीमीटर की, और उस पे वहां पे क्या है लेंस को प्लेस किया गया, स्क्रीन को प्लेस किया गया, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, इस टाइप से मार्क किए हुए हैं. यहाँ पे हमें यू भी कुछ भी मेंशन नहीं है, बट वी हैव टू फाइंड कि यहाँ पे यू कितना होगा और बी भी कितना होगा. क्लियर? तो देखिए आपने करना किस टाइप से, मैं मान लेता हूं कि मेरे पास ये इस टाइप से स्केल मेंशन है और लेंस उन्होंने कौन सा यूज किया है, कन्वर्जिंग एट द 50 सेंटीमीटर, तो मैंने यहाँ पे यूज कर लिया 50 सेंटीमीटर. क्लियर? और ऑब्जेक्ट किस पे प्लेस है, 8 सेंटीमीटर मार्क, मींस मैंने ऑब्जेक्ट को प्लेस किया यहाँ पे 8 सेंटीमीटर मार्क पे, और जो इमेज फॉर्म हो रही है वो 92 सेंटीमीटर पे है, तो मैंने इमेज 92 सेंटीमीटर पे किया बिकॉज वाइट स्क्रीन इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, और अगर इस पॉइंट पे प्लेस है तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो रही है. तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा मेरे पास वो क्या होगा, यू होगा, and this one distance is v. Clear? Now first is find the focal length of a converging lens. मैंने focal length find out करनी है, तो focal length के लिए क्या करूंगा, u find out करना है. u क्या होता है, always negative, means इससे left side है, तो वो होगा कितना 50 minus 8, because अगर यहाँ पे मेरे पास 0 है तो यहां से यहां तक का distance कितना होगा, 50 minus 8, तो कितना आ जाएगा -42 सेंटीमीटर. क्लियर? ऐसे मेरे पास v कितना आएगा, v इक्वल टू 92 minus 50, तो ये भी कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर. ये लेफ्ट साइड है तो ये नेगेटिव होगा, एंड दिस वन इज ऑन राइट साइड, सो इट विल बी पॉजिटिव. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट f. f कैसे आएगा, 1/v -1/u equal to 1/f. We have to use this formula. तो यहां पे क्या होगा 1/f. v का वैल्यू क्या है मेरे पास 42, तो मैंने पुट कर दिया माइनस ऑफ 1/u. u कितना है -42, तो मैंने -42 पुट कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/42 प्लस 1/42. तो यहां पे मेरे पास 1/f का वैल्यू क्या आ गया, 2/42 ये आ जाएगा. तो यहां पे ये कैंसल आउट, तो f कितना आ जाएगा 21 सेंटीमीटर. मींस जो फोकल लेंथ होगी इस लेंस की आपके पास क्या होगी, 21 सेंटीमीटर. एंड ऑलवेज रिमेंबर कि जो फोकल लेंथ होती है लेंस की या आपके पास मिरर की हो वो हमेशा फिक्स रहती है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते. मे बी यू और वी आपके पास जितना मर्जी वेरी करे, कोई भी वेरिएशन हो आपके पास f क्या रहेगा, ऑलवेज सेम रहेगा. क्लियर? तो ये तो हो गया मेरे पास a पार्ट. नाउ वी कम टू द b पार्ट. b पार्ट में क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इफ द ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड टुवर्ड द लेंस एट अ पोजीशन ऑफ द 29 सेंटीमीटर. मीन्स अगर मैं 8 सेंटीमीटर से उसे 29 सेंटीमीटर पे प्लेस कर दूं, देन आपके पास अगेन आपने क्या फाइंड आउट करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, मींस वी फाइंड आउट करना है. अब फोकल लेंथ तो मुझे पता ही है कितनी है, 21 सेंटीमीटर है. यू आपके पास कितना होगा, अगर आपने 29 पे प्लेस किया है, लेंस तो वहीं पे है तो ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो आपके पास क्या होगा 50 minus 29, तो ये कितना आ जाएगा -21 सेंटीमीटर. और यहां से क्या फाइंड आउट करना है, v. 1/v -1/u इक्वल टू 1/f. सो 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u. सो 1/v, f का वैल्यू कितना है 21 और u कितना है -21, तो ये कितना आ जाएगा 0. मीन्स मेरे पास यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे मेरे पास आएगा 1 by v इक्वल टू जीरो. सो अगर ये जीरो है तो v क्या होगा, इंफिनिटी होगा. क्लियर, मींस इमेज विल बी फॉर्म एट इंफिनिटी. एंड दिस इज अ केस कि आपको पता है फोकल लेंथ 21 सेंटीमीटर है, और अगर मैं ऑब्जेक्ट को भी 21 पे प्लेस करता हूं, तो अगर आप ऑब्जेक्ट को f पे प्लेस करते हो तो इमेज कहां पे बनती है, इंफिनिटी पे. सो द आंसर इज एट इंफिनिटी. मींस अगर मैं लॉजिकली भी सोचूं, अगर मुझे डायग्रामेटिकली नॉलेज है, देन मैं इसको बड़ा इजी वे में कर सकता हूं. क्लियर, एनी डाउट? अब देखिए लास्ट केस, स्टेट द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड इफ द ऑब्जेक्ट इज फर्दर शिफ्टेड टुवर्ड्स द लेंस. अगर मैं ऑब्जेक्ट को 29 सेंटीमीटर से आगे शिफ्ट कर देता हूं, मींस यहां पे शिफ्ट कर देता हूं, देन यू विल सी कि F तो यहां पे था और ये मेरे पास है ऑप्टिकल सेंटर. तो अगर मैं आगे फर्दर शिफ्ट कर देता हूं तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहां पे आ गया, F और O के बीच में आ गया. तो अगर ऑब्जेक्ट F और O के बीच में आ जाता है, मींस फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाता है, देन द इमेज फॉर्म विल बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज. तो इस केस में आपके पास इमेज क्या होगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड एनलार्ज, बिकॉज इस पार्ट में हमने जस्ट नेचर के बारे में इंडिकेट करना था. क्लियर, मींस इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके पास एग्जाम में 5 मार्क्स के आए हुए हैं, देन यू शुड हैव द नॉलेज अबाउट इट. क्लियर, एनी डाउट?